हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बड़े ही काम का वीडियो है, दो मिनट समय निकालकर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको बता दें, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, जिस पर हमने आपको वीडियो बनाकर दे दिया था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, यानी आपके परिवार में चार लोग हैं और एक लोग या फिर दो लोग कहीं बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो वो राशन वहीं पर उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बिहार में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो आपको बता दें, अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर चेक किया तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड ऐप था, एप्लीकेशन था, उसको अपडेट कर दिया गया है। तो पहले से मौजूद है आपके पास वन नेशन वन राशन कार्ड जो एप्लीकेशन, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका नाम बदलकर मेरा राशन कर दिया गया है। सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया था और अभी इसको अपडेट कर दिया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा राशन, यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं अभी स्क्रीन पर आपको बताऊंगा। तो मेरा राशन जो है इसको अपडेट करके नाम चेंज कर दिया गया। अब इसमें जो सर्विसेज मिला है वो बहुत अच्छा सर्विस आपको देखने को मिला है। जैसे आप अपना राशन कार्ड डालकर पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं, दूसरा आप अपना ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, तीसरा यदि आपके परिवार में चार लोग हैं, एक या दो कहीं दूसरे प्रदेश में रहता है, तो वो माइग्रेट कर यहाँ से रजिस्टर कर सकता है और अपना राशन का उठाव वहीं कर सकता है। साथ ही साथ इसमें ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके परिवार में कितने लोगों का आधार सीड है, ठीक है, सीडेड है। अगर नहीं है तो आप अपने नज़दीकी जो आपका डीलर है उसके पास जाकर आप आधार का सीड करवा सकते हैं, चूंकि ये काम आपको 31 मार्च के पहले कर लेना है वरना आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। और इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कि आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो अगर बाहर में है तो नियरेस्ट जो शॉप होता है पीडीएस दुकान का, उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ लेटेस्ट इस एप्लीकेशन में आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब विस्तार से अब आपको बताते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे आपको इसे अपडेट करना है, या फिर अगर आप इन वन नेशन वन राशन कार्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए थे तो अब जो है यहाँ पर मेरा राशन जो एप्लीकेशन है उसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उस पर वर्क करना है, कैसे काम करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए यार, वहां पर आप हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में यहां पर आप सर्च बार में टाइप करेंगे मेरा राशन, ठीक है। हमने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है। यदि आपका पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल है वन नेशन वन राशन कार्ड, तो यहाँ पर ओपन के स्थान पर आपको अपडेट का ऑप्शन को मिलेगा, आपने सिंपली अपडेट कर लेना है, ठीक है। मैंने इसे अपडेट कर लिया है तो अब ये नाम चेंज होकर मेरा राशन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको बता दें, यहाँ का जो इंटरफेस है इसका होम स्क्रीन का, वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे शुरू से आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बोले तो यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड डालना है और राशन कार्ड डालने के बाद सबमिट करना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये कौन लोग करेंगे। मान लीजिए आपके परिवार में 6 लोग हैं 7 लोग हैं और 2 लोग कहीं बाहर काम करते हैं, ठीक है, तो वो वहीं पर अपना राशन उठाव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से माइग्रेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए कार्ड नंबर, होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट और स्कीम टाइप AAY इनका कार्ड है, होम एड्रेस भी आ गया और कार्ड में जितने भी मेम्बर्स हैं उन सारे मेम्बर्स का यहाँ पर आपको नाम भी देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, 6 सीरियल नंबर है और यहाँ पर मेम्बर सभी का ID भी दिया गया है और यहाँ पर सभी मेंबर का नाम भी दिया गया है और यहाँ पर रिलेशनशिप अभी इन्होंने अपडेट नहीं कराया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें से सुप्रिया कुमारी हो गए, जय कुमार सिंह हो गया, सोनू कुमार हो गए, ठीक है। तो मान लीजिए सोनू कुमार या फिर मुकेश कुमार ये बाहर रहते हैं और इनका माइग्रेट करना है, तो इस तरह से हम टिक करेंगे। उसके बाद माइग्रेशन है उसका डिटेल्स यहाँ पर हम फिल करेंगे, कौन सा देश में ये कौन सा प्रदेश में, मतलब बिहार छोड़ करके कौन सा दूसरे राज्य में ये रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से टाइप कर देंगे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया या फिर और भी यहाँ पर झारखंड हो गया, जहाँ भी काम कर रहे हों फिर वहाँ का जो सा भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो फिल कर देना है और माइग्रेशन फॉर्म ईयर्स यहाँ पर फिल करना है जब भी आप चाहते हैं तो, ठीक है। ये किसी कस्टमर का है, ऐसे ही रेंडमली मैंने यहाँ से उठा लिया है, ठीक है।
अगर यही मेंबर देख रहे होंगे वीडियो को तो माइंड मत करिएगा, मैं यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं आपका फिल कर रहा हूँ, सिर्फ लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करके और माइग्रेशन रिमार्क में आपको दे देना है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो अपना यहाँ पर आपको फिल कर देना है और सबमिट कर बटन पर जो है आपको फिर सबमिट कर देना है। तो अब ये जो 6 मेंबर थे, इस 6 मेंबर में 2 मेंबर का जो है यहाँ से राशन कार्ड माइग्रेशन होकर के या झारखंड में चला जाएगा, मतलब डिफरेंट जो भी आप स्टेट यहाँ पर चूज़ करोगे, ठीक है। अब इसमें आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसका स्टेटस कैसे आप चेक करेंगे इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बता देंगे, हालांकि अभी इसमें ऑनलाइन कोई तरीका नहीं है चेक करने का, आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको बैक कर लेते हैं। ये आपने जान लिया माइग्रेशन फॉर्म कैसे यहाँ पर फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। अब नो योर एंटिलीमेंट, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दोनों में से कोई एक भी डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर होम स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्कीम कार्ड नंबर FPS ID वगैरह जो डिटेल्स है वो यहाँ पर निकल जाएगा, जो लोकेशन मंथ है मार्च का और लोकेशन जो ईयर से 2021 का। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो चावल का और गेहूँ का प्राइस 2 रुपया, यदि इससे ज़्यादा लेता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो बना कर बता दिया है। यहाँ पर अलॉटमेंट है KG में, ठीक है, देख सकते हैं आप 14 और 21, चावल 21 है और 14 है, बैलेंस आपको बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं इंटेलिमेंट, ठीक है। अब आपको बताते हैं आगे नियर बाई राशन शॉप, यदि आप कहीं बाहर में जाते हैं तो ऐसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद जो भी वहां का नियर बाई राशन शॉप होगा उसका डिटेल्स आपको यहां पर निकल कर चला आएगा, ठीक है। चूंकि हमारे यहां पर अभी नहीं है जो इसका नियरेस्ट शॉप, ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया है तो यहां पर नहीं आ रहा। अब देखिए यहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्टेट है, तो देख सकते हैं आप यहां पर अभी जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया है, कुछ स्टेट छोड़कर जहाँ पर रेड मार्क आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि मेघालय हो गया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया और वेस्ट बंगाल और दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड अभी लागू नहीं है, ठीक है। और आगे अब आपको बता दें माय ट्रांजैक्शन में आप यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल स्टेट बिहार, ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर है, सेल FPS ID यहाँ पर लिखा गया है, सेल डेट जितना तारीख को आपने उठाव किया, चावल कितना मिला उसका यहाँ पर पूरा स्थिति लिखा गया है, वेट यहाँ पर लिखा गया है कितना कितना मिला, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड नंबर स्कीम और कंज्यूमर का नाम है कलावती देवी, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। अब आपको आगे बता दें यहाँ पर इनलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या हम इसमें हमारे लिए जो सुविधा है वो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बेनिफिशियरी विद डुप्लीकेट UID तो नो, और यहाँ पर IMPDS एबिलिटी नो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या क्या है, इसका मतलब होता है कि आपके लिए क्या क्या सुविधा है, तो वो इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आगे आपको बता दें यहाँ पर आधार सीडिंग सबसे मस्ट और सबसे बढ़िया ये आपको हमें लगा इसमें कि ये आपका आधार सीडिंग जितने भी लोगों का है वो आपको बताएगा, राशन कार्ड या फिर परिवार में किसी भी मेंबर का आधार कार्ड, राशन कार्ड ही डालिए कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 मेंबर में से 4 मेंबर का आधार सीड है, ठीक है, सीडिंग किया गया है और 2 मेंबर का यहाँ पर सीडिंग नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी जानकारी दे दिया है कि आपको सीडिंग करा लेना है जो 2 मेंबर का नहीं है, यदि आप देख रहे होंगे खुद भी इस वीडियो को, चूँकि हमने रेंडमली उठाया जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ठीक है, तो आप जाकर सीडिंग करा लें और आप भी अपना चेक कर लें, और भी व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं वो भी अपना चेक कर लें और जाकर सीडिंग करा लें, अन्यथा आपका कार्ड बंद हो जाएगा, फिर नहीं बोलिएगा कि राशन नहीं मिल रहा है, तो ये काम आपको कर लेना है, डीलर के पास जाकर के सबसे पहले इसका काम करवा लेना है। अब यहाँ पर फीडबैक है, तो भैया यहाँ पर कार्ड नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और फीडबैक दीजिए और रेटिंग दीजिए, ये एप्लीकेशन का फीडबैक हो गया, ठीक है, कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। लॉगिन ये आपके लिए नहीं है, ये अपना जो डीलर होता है ना उसके लिए है। अब यहाँ पर FPS फीडबैक, यानी भैया ये आपको डीलर का फीडबैक देना है, तो यदि आपका जो है जो भी डीलर है मान लीजिए वो सही तरीके से आपके साथ पेश नहीं आ रहा है, राशन में कटौती कर रहा है, 5 की जगह 10 पैसा ले रहा है और राशन 5 किलो कम दे रहा है, तो शॉप नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर लिया गया है चूज़ योर फीडबैक इनकोरेक्ट FPS लोकेशन,
या नो एडिशनल अलॉटमेंट, और यहाँ पर रिमार्क में वो सारा कुछ फिल कर दीजिए, ठीक है, और फिल करके सबमिट मार दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है भैया, आपको बता दें, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड था उसको बदल करके अब मेरा राशन कर दिया गया है, और इस पर ये सारे सुविधाएं देखने को मिलता है। फिर भी इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई सा भी सवाल आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, गुड बाय, टेक केयर।